शराब की तस्करी के उद्देश्य से वाहनों की चोरी करने वाले अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस स्टेशन नरेला नाइये की टीम द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी किए गए 8 वाहनों को भी बरामद किया गया है। जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत मोटर वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में दिनांक 2/2/2023 को थाना एनआईए क्षेत्र की टीम ने क्षेत्र में जाल बिछाया गया और शाम करीब 7 बजे एक संदिग्ध हरिश्चंद उर्फ दीपक निवासी ग्राम मलिकपुर जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 24 साल पकड़ा गया और लगातार पूछताछ पर उसने खुलासा किया कि वह अपने भाई सचिन और एक दोस्त विशाल हिमांशु के साथ मिलकर वाहनों की चोरी करता था और चोरी के लिए गए वाहनों को एक गौरव को ट्रांसफर करता है जो बदले में एक प्रवेश जानी को देता है जो इन वाहनों को चलाता है। उसने आगे खुलासा किया कि उसने सचिन और विशाल हिमांशु के साथ होलंबी कलानंद से 2 से 3 दिन पहले एक मिनी टेम्पो की चोरी की थी और उसे गौरव के माध्यम से एक प्रवेश जानी को स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली में अवैध शराब की तस्करी आगे की जाँच के दौरान उपरोक्त सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच में पता चला कि हरिश्चंद दीपक सचिन और गौरव ड्राइवर थे और वे प्रवेश जानी के वाहन चलाते थे। बाद में इन सभी ने दिल्ली में अवैध शराब की तस्करी के लिए चोरी के वाहनों का उपयोग करने की साजिश रची। उक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने वाहनों की चोरी शुरू कर दी और मिनी टेम्पो और दो पहिया वाहनों का विकल्प चुना। प्रवेश जानी उन्हें उक्त उद्देश्य के लिए पैसे देता है। आगे की जाँच में पता चला कि होलंबी कला निवासी सचिन ने क्षेत्र में रेकी की और चोरी के लिए वाहनों की पहचान की और उसके भाई दीपक को जानकारी दी। बाद में वे सभी इन वाहनों की चोरी करते हैं। एक टीम ने एसआई प्रवेश प्रभारी पीपी मेट्रो बिहार, एसआई परमानंद, एसजी संजय, एसजी सत्येंद्र, एसजी भूपेंद्र, एसजी अमित, एसजी सतीश और सिटी शामिल है। आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ के लिए एनआईए थाना क्षेत्र की अध्यक्षता में जितेंद्र का गठन किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उपयुक्त सभी आरोपी व्यक्ति अन्य वाहनों की चोरी में शामिल थे। उनकी निरंतर पूछताछ के कारण 7 की और बरामदी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।